नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन कहाँ पर, उसमें फिर कौन सा सेक्टर, सेक्टर में सोसाइटी, उस सोसाइटी में कौन सा ब्लॉक, उस ब्लॉक में कौन सा यूनिट, इस तरह होता है। कर क्या रहे हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि वहम ऐसे डाल रहे हैं, सीधा घर में पहुंच गए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर लाइव नोएडा में ही जगह है, ये नोएडा में ही देखो, ये आ रही है हिंडन रिवर और ये यमुना आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इनका संगम हो गया और संगम के बाद आपको पता है जो बड़ी नदी है उसी का नाम चलता आगे, तो ये यमुना नदी है, आगे चली गई मथुरा की तरफ। और इधर ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, वो इधर परी चौक चला जाता है, उसके बाद इधर ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ये जा रहा है आपका मथुरा, आगरा, आगे लखनऊ, ठीक है। तो पहली बात तो ये सब यहाँ से देखना शुरू करते हैं, जब हम कंसल्टेंसी देते हैं हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, डायरेक्ट घर नहीं देखते हम। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट है ये गोदरेज नेस्ट, पहली बात तो रिनाउंड नाम है गोदरेज वालों का है, ओके। ये सेक्टर 150 है पहली बात नोएडा का, मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा हो जाता है इधर की तरफ, आमने सामने इधर से दूरबीन से देखोगे इसको देख लोगे आप, लेकिन इधर ग्रेटर नोएडा है। तो लोकेशन है, ऐसी लोकेशन है इसकी के इधर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, इधर आप आगरा जा सकते हो। और यहाँ पे संगम, दो नदियों का संगम है, इसके इधर की तरफ सारा खाली रहेगा क्योंकि ये सारा का सारा फ्लड एरिया है, यहाँ से सारा इधर खाली रहेगा, कभी बनेगा नहीं कुछ भी यहाँ पे, ये दिशा खाली रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, पहले तो ये सब देख लिया। इधर ही आगे जेवर एयरपोर्ट है पास में, जो बनने वाला, होने वाला है शुरू। फिर आ जाओ इस सेक्टर पे आ गए हम, पहले तो ओवरऑल देख लिया पूरा दूर दूर तक का क्या है मामला, फिर 150 सेक्टर पे आ गए जो कि ग्रीनेस्ट सेक्टर कहा जा रहा है नोएडा का। इसमें खास बात क्या होगा, हर एक हाउसिंग सोसाइटी को 75 से 80% एरिया खाली रखना पड़ेगा, ग्रीन रखना पड़ेगा, और एक इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा सेक्टर है, इस पर ये पुश्ता रोड बनेगा पूरा, कुछ बना हुआ है कुछ और बन जाएगा, इधर की तरफ ये सारा खाली पड़ा है और ये हमेशा खाली रहेगा एरिया, क्योंकि इधर हिंडन है, इधर से हिंडन आ रही है, इधर पीछे इधर से आ रही है यमुना, और दोनों यहाँ मिल के और आगे जाएंगी यमुना, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोजेक्ट बन गए हैं, कुछ बनने हैं, ये इतना बड़ा यहाँ पे गोल्फ कोर्स, ये है जी, ये है गोदरेज नेस्ट एरिया, ये गोदरेज नर्चर है, दो पार्ट कर दिए उन्होंने इसके, ये भी खाली पड़ा है प्लॉट, ये और कई सारे ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, ये प्रतीक कैनरी, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है इधर, ठीक है। ये खाली पड़ा है अभी जगह, तो कुछ बन रही हैं कुछ खाली हैं। तो ये हमने देख लिया कि अभी ये देखो, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ये रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी ये बहुत बड़ी रोड है, उसके बाद पुश्ता रोड बनेगी, उसके बाद सारा खाली। और ये मज़ेदार चीज़, ये साउथ ईस्ट है सारा, साउथ ईस्ट पूरा खाली रहेगा। तो ये तीन तरफ से ये इसमें रोड है, तो इसमें खास बात क्या होगी कि ये इधर से भी एंट्री गेट दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, तो भीड़ कम हो जाएगी, किसी एक गेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना वो सारा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। पहले मैंने क्या बताया, पहला पूरा लोकेशन, आसपास की कई कई किलोमीटर की जगह, उसके बाद उस वो पूरा सेक्टर, फिर उस सेक्टर में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फिर उस प्रोजेक्ट पे आएंगे। ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अब दो पार्ट हैं, ये गोदरेज नेस्ट, ये गोदरेज नर्चर। इस नेस्ट में क्या, तीन ब्लॉक ये, तीन ब्लॉक ये, ये देखो ये छोटे साइज के हैं, इसका मतलब ये 3 BHK के हैं, और ये इनका 40 मंजिल वाला टावर होगा, ये 20-20 मंजिल वाले हैं, ठीक है। और बीच में ये सारा ग्रीन एरिया, ये सब तरफ रोड है, इसके अंदर ही अंदर बाहर भी रोड है, बाहर भी ये सब तरफ रोड है। और इधर मैंने बता ही दिया, इधर हिंडन आ रही है, ये सारा ग्रीन एरिया, खेत हैं पूरे, हमेशा खेत रहेंगे ये। मतलब अगर आप इनमें इधर छज्जे पे खड़े होते हो तो इधर सूरज उगता दिखेगा आपको, इधर आप दूसरे फ्लोर पे हैं मान लो, और ये 20 फ्लोर है,
तो इधर सूरज उगता दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। 20 मंजिल है सामने, ठीक है। कहने को इधर आपको बड़ा ग्रीन एरिया दिख रहा है अंदर, आपको आप कहेंगे मैंने तो ईस्ट फेसिंग लिया है, लेकिन भाई आप ग्रीनरी तो देख लोगे, सूरज उगता नहीं दिखेगा यहाँ। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। लोग सीधे अपने घर के अंदर चले जाते हैं कि जी हमारा घर में टॉयलेट ईशान में है तो क्या करूँ मैं? वो तो हो सकता है 1% प्रॉब्लम हो, उससे क्या होना है? आपके ईशान में कुछ है ही नहीं, उधर दूसरे के घर बने हुए हैं 4 लोगों के, क्या कर लोगे आप? उसे कुछ नहीं होना। फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले तो पूरा देखना है NCR में कहाँ पे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन कहाँ पर, उसमें फिर कौन सा सेक्टर, सेक्टर में कौन सी वो वाली सोसाइटी, उस सोसाइटी में कौन सा ब्लॉक, उस ब्लॉक में कौन सा मकान यूनिट, इस तरह होता है। कर क्या रहे हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि वहम जैसे डाल रहे हैं, सीधा घर में पहुंच गए, पता है और कुछ तो वो कर नहीं सकते, जिसने बुलाया उसको मना भी नहीं करना, नहीं तो भाग जाएगा। आप कहोगे कि ये वास्तु के हिसाब से है ही नहीं, वो कहेगा ठीक है मत आओ, पैसे भी तो कमाने हैं ना। वो तब की बात है जब अब कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं अभी आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे सही सिलेक्ट करें मकान, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब ये है जो आपको समझाना है हमने, ये आपको बिल्डर देगा, जो डेवलपर है वो आपको नक्शा ऐसे देगा, उस नक्शे में ये नॉर्थ मार्क होगा, जैसा भी हो मार्क, यहाँ पे ये मार्क कर रखा है नॉर्थ, ठीक है। उसने दिखाया देखो एक फ्लोर पे 4 यूनिट हैं, 2 इधर 2 इधर, और ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने एक यूनिट ये दिखा दिया, ये यूनिट कौन सा दिखा, इधर वाला, ये वाला यूनिट दिखाया, ये यूनिट, इस पर ये मार्क कर दिया। इसको आपने इस पर लेके जाना पहले, क्योंकि बाद में हमने इसको काटना है, काट लेंगे तो ये अलग हो जाएगा। उससे पहले इसको कहीं पर ले आओ। यहाँ पर हमने क्या किया, हम इस कमरे पे ले आए, हमने इस कमरे का सेंटर लिया और इसको उठा के यहाँ ले आए, वो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, मान लो चलो इस पे आ गया, जरूरी नहीं ऐसे आए, ठीक है ना, यहाँ पे इस डायगनल पे ही आ गया ये नॉर्थ, यहाँ ले आए। अब इसके आगे की बात है, इसको हमने काट लिया वैसे तो, ये हमने काट लिया गत्ते पे चिपकाने के बाद, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम जिस साइड में ये ड्राइंग बनी हुई है उस साइड में लगभग मोटा मोटा आप इसका सेंटर पॉइंट आइडिया लेके और इसको इस तरह से उस पर ऐसे रखोगे जब तक कि ये मान लो इस पर बिल्कुल हॉरिजेंटल ना हो जाए। ये देखो ये टिक गया, मैंने लगभग पहले ही निकाल रखा था इसका। ये देखो सेंटर ऑफ वेट आ गया, तो एरिया भी कह लो इसको, सेंटर ऑफ एरिया आ गया ये, ठीक है। अगर हॉरिजेंटल नहीं है तो दाएं बाएं कर लो इसको। अब इसको आपने दबा लेना है, यहाँ पे हिलने नहीं देना, और इसको कर लो सीधा। तो ये जो अब आया, क्योंकि ये एकदम पिन पॉइंट तो नहीं है ना, एक पॉइंट नहीं है, इसके गिर्द आप लाइन से सर्कल मार्क कर लो, उस सर्कल का पॉइंट सेंटर आप फिर आराम से मार्क कर सकते हो। एक आध मिलीमीटर इधर उधर होने पे कोई आफत नहीं आने वाली। तो यहाँ हमने ये सेंटर मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया, आप देखो ये इस हैपजार्ड शेप प्लॉट का, या जो भी आपका यूनिट है आपको मिलना है, मिल गया है, बना बनाया है, कुछ भी है, आराम से आप वो जो बिल्डर ने आपको दिया था, डेवलपर ने दिया था, उससे आप अपने इसका आराम से सेंटर निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले से है ये ड्राइंग दी हुई है, मिल गया। अब आपको जब ये सेंटर मिल गया तो आप क्या करोगे इस नॉर्थ से, तो आपका क्या था, ये नॉर्थ डेवलपर ने दिया हुआ था, इसको आप उठा के यहाँ ले आए थे कहीं भी, ठीक है। और फिर इसको यहाँ आपने पॉइंट निकाल लिया इसके हिसाब से, उस पॉइंट के पैरेलल अब ये लाइन जो है नॉर्थ यहाँ पे ले आने, ये सिखाया था मैंने आपको कैसे लेके आनी है सेट स्क्वायर से, ये यहाँ पे ले आए, यहाँ से ये नॉर्थ हम, ये पॉइंट हमारा आ गया था यहाँ ले आए, ये पूरे आपके पूरे यूनिट का नॉर्थ साउथ एक्सिस आ गई,
अब जो आप कह रहे थे कि जी ये कट गया जी, अब भाई यहाँ पे आप बैठोगे जब सुबह, सामने सूर्य उगता हुआ दिखेगा और इतनी दूर तक आप देख सकते हो जितनी दूर तक आपकी आंखें जाती हैं। यहाँ आपको पहले तो बाहर, पहले तो इस सोसाइटी की जगह है बहुत सारी यहाँ, उसके बाद बाहर रोड मिलेगा, उसके बाद पुश्ता रोड मिलेगा, उसके बाद खेत हैं, खेतों के बाद इतनी दूर तक पेड़ हैं, उन पेड़ों के पीछे कहीं जाके यमुना एक्सप्रेस वे है, वो तो आपको दिखेगा भी नहीं, इतनी दूर तक दिख रहा है। अब ये कटा हुआ है, कटा हुआ तब होता जब इसके साथ में दूसरे का मकान होता है, यहाँ पर खुला है, ये मतलब है, इधर भी खुला है, ये बालकनी है ये भी खुला है, ये बालकनी है इधर भी खुला है, इधर इसके इधर बालकनी है ये भी सारा खुला है, क्योंकि इधर दूसरा टावर जो है आपको दिखाए थे ना अभी, दूसरा टावर यानी 24 मीटर या 18 मीटर ऐसा कुछ इतनी दूर है दूसरा टावर, इधर भी खुला हुआ है। मज़ेदार चीज़, इधर आपके वो है स्टेयरकेस, मतलब ये इतना हिस्सा छोड़ दो तो सारा यूनिट ये खुला हुआ है सब तरफ से। अब देखो इतनी दिशाएं इसकी खुली हुई हैं, केवल ये ईशान बंद है, पूरे यूनिट का लें तो सारी दिशाएं खुली पड़ी हैं इसकी, 7 दिशाएं 9-8 में से, उसके बाद इस तरह जोन बन गए।